हमारे सौरमंडल से बाहर कई हजारों ग्रह मौजूद हैं, जिन्हें लेकर वैज्ञानिक हमेशा से उत्सुक रहते हैं। पिछले कई सालों में खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में ऐसे अद्भुत ग्रह खोजे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये बहिर्ग्रह यानी एक्सोप्लैनेट दिखने में तो किसी सामान्य ग्रह जैसे दिखाई देते हैं, पर इनके अंदर जो होता है वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। इसके साथ ही कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो बेहद शांत जरूर लगते हैं, पर भविष्य में ये हमारे लिए खतरा भी बन सकते हैं। आपने शायद भी कभी ऐसे ग्रह देखा होगा जहाँ लगातार कांच की बारिश होती है। लोहे की बारिश वाले ग्रह की कल्पना तो कोई सपने में भी नहीं कर सकता। खैर, आज आपको कुछ ऐसी अविश्वसनीय ग्रहों से रूबरू करवाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अर्चिता मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं theladdu.com। तो आज की इस वीडियो में हम तीन ग्रहों के बारे में बात करने वाले हैं। ये तीनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले बात करते हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जहां होती है कांच की बारिश, और इस ग्रह का नाम है HD 189733b। आमतौर पर ग्रहों पर जैसे कि पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर पानी या एसिड की बारिश होती है, पर हमारे सौर मंडल से करीब 64 प्रकाश वर्ष दूर वल्पेकुला में मौजूद है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां किसी लिक्विड की नहीं बल्कि कांच की बारिश होती है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, पर HD 189733b नाम के इस एक्सोप्लैनेट में पिघले हुए कांच की भयंकर बारिश होती है। इस ग्रह को 5 अक्टूबर 2005 को सबसे पहले खोजा गया था। चमकीले नीले रंग का यह ग्रह देखने में भले ही शांत लगता है, पर इस ग्रह का मौसम किसी की भी जान ले सकता है। वास्तव में एक हॉट जुपिटर प्लैनेट है। इसका औसतन तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का है। ये करीब 150 किलोमीटर स्पीड से भी ज्यादा की तेज रफ्तार में अपने तारे की परिक्रमा लगाता है। इसके वायुमंडल में जलवाष्प, न्यूट्रल ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन जैसे जैविक मिश्रण मौजूद है। ये मिश्रण करीब 8700 किलो हॉर्स की रफ्तार से बहने वाले जानलेवा हवाएं पैदा करते हैं। इसके साथ ही इसके बाहरी वायुमंडल में सिलिकेट के कण भी मौजूद हैं, जो एक तरफ से गर्म होने पर पिघले हुए कांच की तेज बारिश पैदा करते हैं। इसके वायुमंडल में मौजूद मैग्नीशियम सिलिकेट पार्टिकल्स बड़ी तेजी से पिघलना शुरू करते हैं। ये पिघलते हुए कांच के रूप में गिरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये नीचे आकर ठंडे होते हैं तो सख्त कांच में बदलकर तेज हवाओं के जरिए बहने लगते हैं। इसकी वजह से ये ग्रह अपने आसपास आने वाले किसी भी चीज को पल में तहस नहस कर सकता है। अब दूसरे ग्रह पे आते हैं। ये एक ऐसे ग्रह है जहां गर्म लोहे की बारिश होती है, और इस ग्रह का नाम है WASP-76b। WASP-76b हमसे करीब 640 प्रकाश वर्ष दूर में मौजूद है। यहां बड़ी भयंकर लोहे की बारिश होती है। इस ग्रह को सबसे पहले साल 2013 में खोजा गया था, जो अपने मूल तारे की बड़ी तेजी से परिक्रमा लगाता है। ये अपने मूल तारे के इतना करीब है कि चक्कर लगाने की वजह से इसका वायुमंडल एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। इसका औसतन तापमान दिन में 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है, रात में ये तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह तापमान किसी भी धातु को आसानी से भाप में बदल सकता है। इस ग्रह पर भारी मात्रा में मौजूद लोहा होता है। इस ग्रह का सर्वाधिक तापमान और रफ्तार इसमें मौजूद लोहे के कणों को पूरी तरह से अणुओं में बदल देते हैं। ये आगे चलकर इन्हें भाप में बदल देते हैं। जब ये ग्रह बड़ी तेजी से चक्कर लगाता है तो इसके सामने वाले हिस्से में बहने वाली बेहद गर्म हवाएं लोहे के कणों को वाष्प में बदल कर दूसरी तरफ भेजना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जाते ही कम तापमान में वो लोहे के कण धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। इन बादलों में बड़ी मात्रा में आयरन सल्फाइड और आयरन हाइड्राइड मौजूद होते हैं। ये पदार्थ रात में बारिश के जरिए नीचे गिरते हैं। सबसे विचित्र बात तो ये है कि ये बारिश करीब 1800 किलोमीटर प्रति और की बड़ी तेज रफ्तार से होती है। पलक झपकते ही किसी का भी खेल खत्म कर सकती है। ये लोहे की बारिश इस ग्रह के पिछले हिस्से में होती है, इसीलिए अगर कोई इसे दूर से देखे तो उसे सिर्फ रात में ही एक भीषण लोहे की बारिश दिखाई देगी। अभी तक के खोजे गए सभी एक्सोप्लैनेट्स में WASP-76b प्लैनेट का ही मौसम ऐसा है जो सबसे ज्यादा भयंकर और विनाशकारी है। अब तीसरे की बात करते हैं। इस ग्रह का नाम है रोग एक्सोप्लैनेट, और ये वो ग्रह है जिसके बारे में ये कहा जाता है ये पृथ्वी से टकरा सकता है।
हमारी आकाशगंगा में कई ऐसे ग्रह हैं जो ब्रह्मांड में मंडराते रहते हैं। इन्हें अक्सर आवारा ग्रह यानी रोग्यो प्लैनेट कहा जाता है। सिंप जे 0136566.5 प्लस 093347 नाम का ये ग्रह हमारे सौर मंडल और खुद हमारी पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये बाहरी ग्रह एक ब्राउन ड्वार्फ प्लैनेट है जो हमसे बस 20 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। हमारी पृथ्वी से 17,000 गुना ज्यादा बड़े इस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बेहद खतरनाक है। इस आवारा ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी से 40 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही हम चाहकर भी इस ग्रह के पास न जाएं, पर यह आवारा ग्रह हमारे सौर मंडल में आकर तबाही जरूर मचा सकता है। इस ग्रह की रफ्तार काफी ज्यादा है, इसके प्रक्षेप वर्ग को पता कर पाना भी मुश्किल है। ये ग्रह किसी भी तरह की गर्मी या रोशनी नहीं करता, इसीलिए इसको देख पाना संभव नहीं है। वैसे हमारा सौर मंडल और ये ब्रह्मांड काफी फैला हुआ है, पर कुछ हद तक संभावना है कि ये ग्रह किसी प्रकार का टकराव भी पैदा कर सकता है। इन आवारा ग्रहों पर वैज्ञानिकों की हमेशा नजर बनी रहती है। किसी भी बाहरी ग्रह का हमारे सौर मंडल में आना एक चिंता का विषय बन जाता है। फिलहाल हमारे सौर मंडल की स्थिति के अनुसार इन आवारा ग्रहों का पृथ्वी को नुकसान पहुँचाना लगभग ना के बराबर है। तो आज हमारे लिस्ट में ये 3 ग्रह थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको भी कोई ऐसे ग्रह के बारे में जानकारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपको वीडियो और जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि हम ऐसी ही रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले लेकर पहुंचे। धन्यवाद।